क्या मायावती इस लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेला करने वाली हैं? क्या मायावती एनडीए को नुकसान पहुंचाने वाली हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बसपा इस चुनाव में एकला चलो के रास्ते पर चल पड़ी है। ऐसे में बसपा ने एक ऐसा खेल कर डाला है जो इस लोकसभा चुनाव में सबको चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश भर के विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के सहारे विपक्षी दल मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को रोकना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और बसपा इस चुनाव में एकला चलो के रास्ते पर चलकर किसको सबसे ज्यादा नुकसान करेगी, ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन चार बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती ने अपनी शतरंजी चाल से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जी हां, बीजेपी के लिए। यूं कहें तो मायावती ने पीएम मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। ये पूरी तरह से सच भी है और ये बात हम किस आधार पर कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मायावती ने यूपी की सीटों पर ऐसे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए समस्या पैदा हो सकती है। बसपा सुप्रीमो ने शुरुआती लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मायावती ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी को मायावती मुश्किल में डाल सकती हैं, वो आपको बताते हैं, क्योंकि मायावती अब खेला करने जा रही हैं। अगर बात करें गाजियाबाद सीट की, तो मायावती ने नंदकिशोर पुंडीर को उतार कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही बसपा ने मथुरा सीट पर सुरेश सिंह चौधरी को मैदान में उतार दिया है। इसी तरह मेरठ से बसपा ने देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी घोषित करके बीजेपी के त्यागी वोट बैंक में सीधा सेंधमारी की है। बिजनौर सीट पर भी जाट कैंडिडेट उतारकर बसपा ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। पार्टी ने यहां से जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। इस सीट से मायावती भी चुनाव जीत चुकी हैं। 2019 में बसपा के मलूक नागर ने यहां से चुनाव जीता था। इस सीट पर बड़ी तादाद में दलित वोटर हैं। अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी इससे मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि इसी तरीके से मुजफ्फरनगर सीट पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार न उतार कर बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान को सीधी टक्कर दी है। सपा ने हरेंद्र मलिक को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में अगर हरेंद्र मलिक को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया, यानी पिछड़े वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो प्रजापति के साथ जा सकते हैं, यानी बसपा ने यहां पर भी खेला कर दिया। वहीं बागपत सीट पर बसपा ने प्रवीण बंसल को कैंडिडेट घोषित किया। प्रवीण बनिया समाज से आते हैं और बनिया बीजेपी का हार्डकोर वोटर है। ऐसे में बसपा ने वोट बैंक पर सीधी सेंधमारी करके बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। इसी तरह बसपा ने लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेल डाला। लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट पर बसपा ने बीजेपी के ही बागी श्याम किशोर अवस्थी को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने रेखा वर्मा और सपा ने आनंद भदौरिया को टिकट दिया है। लखीमपुर खीरी ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में बसपा ने ब्राह्मण चेहरा उतारकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया है। ऐसे ही बसपा ने उन्नाव में भी ब्राह्मण चेहरे पर दाम लगाया। उन्नाव से अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया। जिले में 11% से करीब ब्राह्मण वोटर हैं और दलित 24%। दोनों के मिलने पर 35% वोटर बसपा के साथ आ सकते हैं। ऐसे ही अलीगढ़ सीट से मायावती ने हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को टिकट दिया। इस सीट पर भी ब्राह्मण और दलित मिलाकर 35% के करीब पहुंच जाता है। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ठीक इसी तरीके से मिर्जापुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया। यहां दलित और ब्राह्मण मिलाकर 30% के आसपास वोटर है। ठीक इसी तरीके से अकबरपुर सीट पर बसपा ने राजेश कुमार त्रिवेदी को कैंडिडेट घोषित किया। यहां भी दलित और ब्राह्मण सीट पर 34% के करीब वोट पहुंच जाता है। इसका सीधा फायदा बीएसपी को हो सकता है, जबकि बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा बसपा ने आजमगढ़ सीट पर भीम राजभर को कैंडिडेट घोषित करके मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के सपा में जाने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन मौजूदा समय में सीट से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं। इसके साथ ही घोसी सीट पर बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया है। मायावती ने बस्ती से दयाशंकर मिश्र और फैजाबाद सीट पर सच्चिदानंद पांडे यानी ब्राह्मण कार्ड खेलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। वहीं जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया है।
बसपा ने जौनपुर सदर लोकसभा सीट से श्रीकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। फिलहाल पहले से ही माना जा रहा था कि बाहुबली और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के परिवार में से कोई ना कोई लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेगा। माना जा रहा था कि श्रीकला रेड्डी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब साफ हो गया कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में उतरेंगी। समाजवादी पार्टी ने यहां से बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया। ऐसे में बसपा के टिकट पर श्रीकला रेड्डी का खड़ा होना बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती से कम नहीं है। खैर, देश के दलित मतदाताओं ने राजनीति को काफी प्रभावित किया है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज पर एकाधिकार रखा था। दलित मुस्लिम और ब्राह्मण के एक अटूट गठजोड़ ने कांग्रेस को मजबूत स्थिति दी थी। बाद में कांशीराम और राज्यों में अलग अलग दलित विचारकों ने इस तरह से काम किया कि जो दलित वोट बैंक कभी एकजुट हुआ करते थे, यानी इकट्ठा हुआ करते थे, वो तितर बितर हो गया। इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस चुनाव में भी मायावती अपने दलित वोट बैंक के सहारे बड़ा खेल कर सकती हैं, जो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती ने शतरंज की ऐसी चाल चली है जिससे बीजेपी और इंडिया गठबंधन यूपी में पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो 4 जून की तारीख ही तय कर पाएगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।